हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आलू की मसाला भुंजिया बना रही हूँ। आप इसको बहुत ईजी तरीक़े से बना सकते हैं। तो इसको मैंने टिफ़िन में बनाया था, तो बनाना कैसे है उसके लिए देखिए। पहले तेल गरम करना है और उसमें मिर्ची डालना है। आपको मिर्ची अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, अगर बच्चे खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाला है और आलू को एकदम भुंजिया की तरह ही पतला पतला मैंने काटा है, एकदम छोटा छोटा कैसे काटा है। आप चाहें तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, और छोटा छोटा काटा है मैंने ताकि वो जल्दी बन जाए। तो जितना पतला काटेंगे उतना जल्दी वो अच्छी तरह से हो जाएगा। और इसको बनाने का तरीका बहुत अच्छा है कि इसमें आप कम तेल में भी बन सकता है। तो ये बहुत इजी तरीके से बनता है। तो मैंने इसको अदरक को क्रश करके भी इसमें डाला है, थोड़ा सा आधा मतलब नमक थोड़ा सा डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि जब बन जाता है तो बनने के बाद ये थोड़ा हो जाता है, तो नमक थोड़ा कम ही डालिए। इसमें जीरा धनिया का पाउडर डाला है, हल्दी डाला है और ये देखिए बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो गया है। ये 10 मिनट के अंदर ही बन जाता है, ज़्यादा देर की नहीं लगता। इसको ढक ढक के पकाना है तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैंने इसको पूड़ी के साथ बनाया था, आप चाहें तो पराठा, सूखा रोटी जो बोलते चपाती उसके साथ बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।